शज़ैम का ट्रेलर आप लोगों ने यकीनन देख लिया होगा, मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ रिएक्शन बना के देखा जाए। तो इस ट्रेलर से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मैंने सुनी है, पढ़ी है मतलब कहीं से। अब वो ऐसा है कि जो मूवी है उसमें सुपरमैन का केमियो है लेकिन वो किसी और तरह है, और उसमें ब्लैक एडम का भी केमियो है लेकिन वो किसी और तरह है। अब वो किसी और तरह किस तरह है कि जब विजर्ड बिली बैटसन को पावर देगा तो वो उसको पुराने चैंपियंस भी दिखाएगा जिसके पास पहले पावर थी, तो ब्लैक एडम के पास भी पहले पावर थी, तो उसका कोई होलोग्राम वगैरह दिखाया जाएगा जिसमें हमें जो है रॉक की पिक्चर तो नहीं नज़र आएगी, यानी कि हमें सिर्फ उसका सूट वगैरह नज़र आएगा, उसका फेस क्लियर नहीं होगा। एक बात मैंने ये सुनी है। अब मुझे ये नहीं पता कि ट्रेलर में ये चीज़ है या नहीं। दूसरी जो चीज़ है सुपरमैन का कैमियो, वो भी है लेकिन उसके लिए वो बॉडी डबल यूज़ करेंगे, यानी कि हेनरी कैवल नहीं होगा, उसके लिए बॉडी डबल यूज़ होगा। वो हो इस तरह होगा कि बिली बैटसन के वो स्कूल में आएगा और कहेगा वहाँ पर प्रिंसिपल को, टीचर्स को, कि ये मेरा दोस्त है और उसे किसी काम के लिए लेके जाना है। इस तरह की, ये आपने अगर एनिमेटेड मूवी देखी हो तो उसमें भी ऐसा कोई सीन था, तो ये मैंने सुना है कि ऐसा पॉसिबल होने वाला है। ये मूवी के लिए, ट्रेलर के लिए नहीं। अभी ट्रेलर मैंने नहीं देखा, तो ट्रेलर देखते हैं कि इसमें क्या नया डाला है। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई, लेकिन अगर दिखा दें वो 7 सीन्स को अगर दिखा दें और जो है डॉक्टर सिवाना की जो थोड़ी सी और पावर्स को दिखा दें कि वो किस तरह मिली, तो मज़ा आएगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत तरसाया है, बहुत लंबे अरसे से एक ट्रेलर की इंतज़ार में थे, तो अभी तक तो कुछ नहीं आया, तो देखते हैं कि इसमें हमें नई चीज़ क्या देखने को मिलती है। There's a foster couple outside, Mr. Batson. I can take care of myself. Give these people a chance, because that's what they're giving you. Billy is a foster kid. He's been in and out of foster homes. This is Billy Batson. अच्छा, ये तो कोई ट्रेलर तो नहीं है। Who wants the best, who sticks up for the other kid. Hey! Man, sorry about that. ये तो he is pure of heart. Billy Batson. मैं सोच रहा था ट्रेलर आएगा। I choose you as champion. Who endows him with this power of Shazam? Shazam? अभी तक तो पुरानी क्लिप्स ही आ रही हैं, नया कुछ भी नहीं आ रहा। You're the only person I know that knows anything about this Caped Crusader stuff. What are your superpowers? Superpowers, dude, I don't even know how to pee in this thing. सेम पुरानी अभी तक है। Superhero fanatic. And when he finds out that Billy is a superhero, he's like, I know exactly what to do. Hey, I'm good to be on. You have super strength. Freddy's like, okay, we have to test your abilities. And of course, they're gonna film it. You okay? Why are you talking? I feel like any kid ये भी नया has था. The power of being an oh, adult. ये भी नया है. We should do things that only adults can do. Duh. I'd like to purchase some of your finest beer, please. अच्छा, वो पीछे खड़ा था उसके. Shazam is one of very few superhero characters that is genuinely stoked to be a superhero. Your phone's charged. Dab. Your phone's charged. The hell? More often than not, you've got a character who is begrudgingly pulled into this, and everybody needs them, and they're like, "Oh, I have to save the world again." Billy Batson is stoked. You're like a bad guy, right? I just अच्छा, वो बस के एक्सीडेंट के बाद ही आएगा। I get to fly around and fight bad guys. You have bullet immunity. You're dead. ये सबसे बेहतरीन शॉट था। कुछ भी नहीं एंड पे। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं वो ये है कि जो शज़ैम का करेक्टर है, लोग कहते हैं कि ये बड़ा चीज़ी सा करेक्टर है और बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि वो एक बड़ा बंदा है लेकिन उसके अंदर बच्चा है और उसने हरकतें वही करनी है जो बच्चे करते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हमें नई क्लिप्स देखने को मिलेंगी इसमें, तो मेरे ख्याल से कुछ 3-4 सीन्स थे जो नए थे, बाकी सारा कुछ तो पुराना ही था। तो हमें ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला जो मैं पहले बात कर रहा था कि हमें कैमेज वगैरह देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो बात मैं आपको स्टार्ट में बताइए ना, ये बात काफ़ी हद तक मुझे सच लग रही है कि ऐसे 2 सीन होने वाले हैं जहाँ पर हमें 2 कैमियो नज़र आएंगे। बाकी उम्मीद है कि शायद ये जाके
कुछ अरसा बाद एक और हमें छोटा सा एक टीज़र और दिखा दें, जिसमें हमें जो है थोड़ी सी नई क्लिप्स दिखा दें, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो चीज़ हमें दिखाई है ना, वो पहला जो ट्रेलर आया था कुछ 6-7 महीने पहले, उसका ही छोटा छोटा टुकड़ा करके दोबारा दिखा रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा कोई नई क्लिप्स देखने को मिली हैं, लेकिन उम्मीद है कि शायद हमें कुछ एक छोटी सी क्लिप और दिखा दें जिससे लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हों, होगा ना, क्योंकि इसका जो है ना कंपटीशन काफ़ी टफ है, क्योंकि बीच में ये सैंडविच बन चुका है कि कैप्टन मार्वल है, फिर बाद में एंड पे जाके इन्फिनिटी वॉर का जो है सेकंड पार्ट है, इन्फिनिटी वॉर का सेकंड पार्ट नहीं एवेंजर्स एंड गेम है, तो उसके दरमियान ये सैंडविच हुई है। जब सैंडविच बन गया है तो इन्होंने मेरे ख्याल से ये इसलिए कर रहे हैं कि एंड पर जाके दिखाएंगे ताकि लोग देख के एक्साइटेड और मूवी देखनी आए, शायद मेरे ख्याल से इनकी ये स्ट्रेटजी है। लेकिन मैं तो जाऊँगा देखने, तो मैंने एक्वामैन भी काफ़ी दफ़ा देखी है सिनेमा में जाके, तो मुझे आप समझ सकते हैं। तो खैर, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।